पहले पटना आयरन के डायरेक्टर श्री संतोष मधौड़िया जिसे रंगदारी की मांग की गई और उनको धमकी दी गई कि उनको मार दिया जाएगा, कई बार फोन किया गया। इस कांड का खुलासा कर लिया गया है। अनूप नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो खुद उस कंपनी में एम्प्लॉय थे और पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे थे। वो छपरा से अपने एक दोस्त को लाए थे और उसकी मदद से उनके फ़ोन से उन्होंने रंगदारी की मांग की थी और लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनसे पैसा वसूल। क्या वजह थी रंगदारी मांगने की? रंगदारी मांगने की दो वजह थी। एक तो उन्होंने बोला कि हमारे मालिक जो है हमको कुछ दिन पहले डांटे थे, और दूसरा पैसे का लालच था। कितने का डिमांड किया गया था सर, क्या कुछ? उन्होंने उसको बोला कि आप हमारे सामने आइए, आपको मारेंगे और वहीं पे आपको रंगदारी देना होगा। कुछ स्पेसिफिक पैसा उन्होंने अपने पिटीशन में नहीं लिखा है। आयरन व्यवसाय का काफी दिनों से पीछा भी कर रहे थे, यही लोग थे जो पीछा कर रहे थे, यही उसको डराने की प्रयास कर रहे थे अपने एम्प्लॉयर्स। कोई पर्टिकुलर जगह पर बुला रहे थे कि सर बार-बार अलग-अलग जगहों पर? फतवा थाना अंतर्गत की जगह जगह बदल-बदल कर बुला रहे थे और ये काफी डरे हुए थे, ऑफिस नहीं जा रहे थे इसी डर से कि इनको कोई मार ना। सर 5 तारीख को छात्र संघ का चुनाव होने वाला है, उसको पहले ही लगातार छात्रों की गुंडई सामने आ रही है। कल भी पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने दिव्यांशु की पिटाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और छात्र संगठन को चुनाव को लेकर किस प्रकार से व्यवस्था करेगी पटना पुलिस? देखिए, जो भी हिंसक झड़प हो रही है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें पुलिस ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और उस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, उसमें निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी चल रही है? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और पूरी तरह से तत्पर हैं हम लोग। स्पेशल टीम्स भी हम लोग गठित करेंगे ताकि पेट्रोलिंग करती रहे, और इस तरह से हम लोग मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि ऐसी अगर कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों को तुरंत उसमें फ़ोन करें ताकि हम लोग अपनी QRTs को वहाँ पर रश करवा सकें। सर आपके खेत